चलते हैं, एकदम क्लीन वाटर होता है। देखो एकदम क्लीन वाटर पानी, अभी इसका ये सब कचरा गिरा नहीं तो साफ था। हमने इस टंकी का पानी कितने कम से कम हमारे हिसाब से 50 साल के बाद टेस्ट किया था, वाटर टेस्टिंग तो बहुत अच्छा पानी था। वो अपना नर्मदा और नल के में भी जो पानी आता है ना उससे भी अच्छा पानी निकला था। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा सही तरीका था, बारिश का पानी इकट्ठा होता साफ और नाचल। ये सही तरीका है लेकिन हमने ये बात रिपेयर कर तो वो जो कॉन्ट्रेक्टर था ना उसने उसमें ये इधर की लाइन है सब निकाल दिए और ये तो हमें रिपेयर करने का बाकी है अभी। इसमें वही एमसीडी का पानी आता है तो, और फिर मोटर से ही ऊपर टंकी में। तो ये ऐसा है कि पानी प्रिजर्व करके रखा हुआ, अगर वो टंकी खाली हो गई तो उससे सबमर्सिबल पंप है इसमें वो लगाया है। बहुत फोर्स से बारिश होता है ना तब तो इतना फोर्स से पानी अंदर में आता है ना, बहुत जोर से पानी आता है ऐसा, जैसे अपने कुएं में से कैसे पानी ऐसे बहुत दूर वो लगाते हैं ऐसे फोड़ 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 पानी आता है, वो ऐसे अच्छा लगता है जैसे देखने में भी। और जैसे अगर सूरज हो जाता है जब बारिश खत्म हो जाती है तो मतलब कितने दिन तक ये चलता है? ये अब की बार हम लोगों ने ऐसे सोचा था कि ये यूज करेंगे पानी, पर जब हमने खोला ना थोड़ा दिन के बाद ऐसा खोला कि चलो अपने देखे पानी कितना है उसमें, तो पूरा नीचे उतर गया। तो कैसे उतर गया नीचे? क्या मालूम नीचे से कहीं फोल्ड होगा ऐसा थोड़ा कि जमीन में ऐसे जाता हो पानी अंदर में। और जब अगले साल बहुत बारिश आया था ना तब अपने आप नीचे से पानी अंदर आया था, 2-3 फुट जितना पानी आ गया था उसमें। अच्छा अपने आप ही आ गया था? हाँ अपने आप इतना पानी अंदर में आ गया था उसमें। ज़्यादातर अहमदाबाद शहर बसा है तो आप पुरानी पोलों में भी जाएंगे तो वहाँ यही सिस्टम था कि जो घर की छतों पे जो पानी गिरे वो नीचे इस तरह हुआ ही करता था। जो पुराने मकान होंगे उनमें कहीं कहीं घरों में आज भी है अहमदाबाद प्रॉपर सिटी में, कि भाई जो बारिश का पानी वो संग्रह करके जब पानी की किल्लत हो तो उसको इस्तेमाल में लिया जाए। ये बात तो सही है, पहले हम वही बात करने के लिए आए कि पहले पुराने सिस्टम कैसे होते थे। वो है एक कुआ है फिर एक तालाब है जो नहाने धोने के लिए कपड़े धोने के लिए तालाब हुआ था, कुएं पानी के इस्तेमाल के हुआ था। इसमें हमने अभी भी बारिश का पानी हम स्टोर करते हैं। कितना चौड़ा और कितना भरा है? ये 30 फुट है और सामने तक है। और इससे बड़ा वो आपने मंगल दास की जो हवेली है यार वो तो अंदर ही है, कैसे जाएगा? पीते नहीं आप लोग इसका पानी? बहुत मीठा होता है मैंने सुना है। मम्मी पानी आई जाए छे।